इसकी खताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तू खुद से लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल तू किसकी खताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तू चल तेरी चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी। ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए खताश है, तू चल मेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मसाल है, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए खताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उठाकर ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, चुनर उठाकर ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए खताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी। जिससे सारी दुनिया भूल सके, बल्कि बेटी को सूरज की जैसे बनाइए कि भूलने से पहले व्यंजन तलवार की एक कलम की, इन दोनों के बीच कड़ा दुश्मनी है, इन दोनों के बीच कड़ी दुश्मनी है। एक तीसरी भी ताकत है जो जो है नारी शक्ति की। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोग काफी अच्छे तरीके से अपनी डेली लाइफ और अपने जो डेली करने वाले वर्क होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, क्योंकि एक महिला क्या होती है उसको कुछ सिखाया नहीं जाता, वो खुद अपने आप से सो निकालते हैं। क्योंकि एक महिला क्या होती है उसको कुछ सिखाया नहीं जाता, वो खुद अपने आप से सोच के खुद की खुद शिक्षित होती है, साथ ही अपने आने वाली जनरेशन जो कि आ रही होती है उसको भी शिक्षित करती है। एक शिक्षित महिला केवल अपने लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए, पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक, एक बहुत ही लीडर का काम करती है। तो देखिए, महिला दिवस के लिए केवल एक दिन नहीं हो सकता कि आज आप सेलिब्रेट करें, ये तो पूरे चलने वाली प्रोसेस है। हर दिन हम महिला के सम्मान में उसका दिवस मना सकते हैं, तो एक दिन उनके किए गए कार्य के लिए डिस्क्राइब करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि एक महिला केवल कितना काम करती है, कितने काम करती है, सुबह उठती है तब से लेके शाम तक, या फिर अगर वो एक वर्किंग वूमेन है तब भी देखिए कितना ज़्यादा वो काम करती है। तो एक महिला के काम को डिस्क्राइब करना या उसके लिए केवल एक दिन डिसाइड करना मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। महिला के लिए तो हर दिन एक विशेष दिन है, तो महिला सशक्तिकरण या महिला की मोटिवेशन या महिला के लिए एक दिन नहीं, हम हर दिन क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ महिला दिवस के आप लोगों को वापस क्या दे रही हूँ, शुभकामना दे रही हूँ कि महिला है तो समाज है, समाज है तो संसार है, संसार है तो जीवन है, महिला बिना कुछ भी नहीं। आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो जीवन है इस जीवन के लिए क्या जरूरी है, हम जो जीवन जी रहे हैं इसके लिए क्या जरूरी है। इसके लिए जरूरी है शक्ति, बिना शक्ति के जीवन नहीं। और यहाँ तक मैं जानती हूँ नारी ही शक्ति का एक दूसरा रूप है। इसका अर्थ ये हुआ सीधा साधा कि नारी के बिना कोई जीवन नहीं, क्योंकि नारी के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना ये जीवन नहीं। ठीक है, हम हर क्षेत्र में हर दिन हर पल सिर्फ इसी कारण रह रहे हैं, इसी कारण सांस ले पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो सांस लेने की शक्ति मौजूद है।
नारी शक्ति यदि ना हो तो इस समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। नारी शक्ति ही इस समाज की जननी है। नारी ही वह शक्ति है जो हमें पूरी दुनिया को जन्म देती है, वही हम सबकी जननी है। आप सबसे एक सवाल, आप सब कहते हैं नारी कमजोर है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, जो इस संसार की रचयिता है, जो इस संसार को बनाती है, वो कमजोर कैसे? लोग कहते हैं नारी अबला है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, वो वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरह बनकर जब एक देश को संभाल सकती है, अपने परिवार को संभाल सकती है, तो वो अबला कैसे? सबके माध्यम से मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ, आपके लक्ष्मीबाई की तरह बनकर जब एक देश को संभाल सकती है, अपने परिवार को संभाल सकती है, तो वो अबला कैसे? सबके माध्यम से मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ, आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ कि आप अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, हर क्षेत्र को बहुत अच्छे से अपनाइए, उसे समझिए, क्योंकि आप इस देश की आधारशील हैं। बेटियां ही इस मुल्क की, इस देश की बुनियाद हैं। आप मजबूत बनिए, ये देश मजबूत बनेगा। नारी शक्ति जिंदाबाद।